पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना, मिर्ची, काला नमक और आधा नींबू। मैंने धनिया को काट लिया है क्योंकि वो मिक्सर में अच्छी तरह से पीस सके। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, पुदीना, मिर्ची जितनी तीखी चाहिए उतनी ही डालनी है और काला नमक। और इसमें हम आधे नींबू का जूस डालेंगे। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हमारी पुदीने की चटनी अब तैयार हो चुकी है। इस पुदीने की चटनी को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। यही प्रोसेस, सिर्फ इसमें हमें एक चम्मच दही डालनी है और इसे मिक्सी में पीस लेना है। अब हमारी चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड कोकोनट और थोड़ा सा धनिया, दलिया, अदरक, काला नमक और आधा नींबू और थोड़ी सी मिर्ची। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सादा नमक भी डाल देंगे हम और आधा नींबू। अब हमें इसे पीसना है। अब हमें इसे पीस लिया है। अब हम इसमें तड़का देंगे। हमने इसमें तेल डाला है और राई डाल के कड़ी पत्ता डालना है। फिर हमें इस चटनी पे तड़का देना। अब हमारी चटनी पूरी तरह से रेडी है।